वेटरनरी कॉलेज महू के 2 MP RNV एनसीसी कैंप का आज तीसरा दिन था। इसी दौरान एनसीसी के इंदौर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान कैंडिडेट्स ने घोड़ों पर सवार होकर कैंडिडेट यश बरोरे और साथी में सुगन चौरसिया, पारगी लाल और साथी में गोरवी चौरसिया द्वारा गॉड ऑफ ऑनर्स भी दिया गया। महू में 2 MP RNV एनसीसी महू के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जाधव ने यूनिट की समस्त गतिविधियों से ग्रुप कमांडर को अवगत कराया एवं कैंडिडेट्स द्वारा घुड़सवारी कर अपनी काबिलियत दिखाई गई। साथ ही कैंडिडेट्स को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी विक्रांत कॉलेज द्वारा दी गई। वहीं कैंडिडेट्स को फायरिंग एवं हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके पश्चात ब्रिगेडियर HR देसाई अस्तबल का निरीक्षण किया और महाविद्यालय के अधिष्ठा डॉक्टर मुकेश कुमार मेहता से बातचीत की और इंदौर एनसीसी ग्रुप द्वारा भविष्य में आरंभ की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जाधव एवं नायब सूबेदार नरेंद्र मगध और उनकी पूरी यूनिट को अच्छे रूप से संचालित करने के लिए बधाई एवं कैंडिडेट्स को भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस साल जो चला हुआ है कोविड का पूरा जो महामारी की वजह से सिंस लास्ट फरवरी एक भी इवेंट हुआ नहीं था एनसीसी का, और ख़ास तौर पे जो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में कैडेट्स आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि उन्होंने एक कैंप किया हुआ होना चाहिए, तभी वो इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो पूरा साल बर्बाद ना हो कैडेट्स का, इसलिए फिर हमारे जो डीजी एनसीसी के लेवल पे फिर ये डिसाइड किया गया कि हम इकट्ठा तो एक कैंप के तौर पर रख नहीं सकते, नहीं तो अमूमन तौर पर एनसीसी का जो हर साल ट्रेनिंग चलता है वो करीब 10 दिन का होता है, पर वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ दी कोविड रिस्ट्रिक्शन, कि कोविड फैल ना जाए, किसी को कोविड ना हो जाए। तो फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि हम डे कैंप कराएं और 3 दिन का बी सर्टिफिकेट के लिए और 5 दिन का सी सर्टिफिकेट के लिए। इनिशियली हमारे दिमाग में रिजर्वेशन था कि शायद पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सबको कोविड का थोड़ा डर है अभी भी कि कहीं कोविड हो जाएगा, कोरोना से पॉजिटिव निकलेगा। बट जिस हिसाब से सारे कैंप हुए हैं इंदौर ग्रुप के, तकरीबन मोर देन अबाउट 50 कैंप्स अभी तक हुए, पूरा जो हमारा एरिया है उसमें जितना सारे कैडेट आए हुए हैं, कोई ऐसे कैडेट्स नहीं है जो आए नहीं कैंप में, तो ये एक बड़ा गर्व का बात है। और इसमें खास हम देना चाहेंगे जो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज है उनको और जो कैडेट्स हैं उनके माँ बाप को, कि सबने वो भरोसा करके और परमिशन दिया है ताकि बच्चे एक्सपोजर ले और अभी इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें ये उत्तीर्ण हो। इनके जो हमारे मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, बेसिकली आपका ड्रिल, फिर फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, जो बेसिक इनके सब्जेक्ट्स एनसीसी में सिखाए जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इन 5 दिन में भी कवर हुए। और प्लस अभी जब कोविड में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थे तभी यही ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रहा था, जहां हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वही ऑनलाइन इनके साथ कंप्यूटर पे मिलाप करके इंटरनेट पे और ये ट्रेनिंग देते थे ऑनलाइन पार्ट में। अब इस बार ये फ़ायदा हुआ कि कैंप चलने से फिजिकल ट्रेनिंग भी हम करवा पाए, तो उसमें खुशी है थोड़ा उसका। यह चीज़ ये है कि कोविड चलता रहा बट एनसीसी कहीं रुका नहीं। पूरे साल में अगर आप देखो तो जितना मध्य प्रदेश पूरा डायरेक्टरेट है हमारा, उसमें तकरीबन 1 से 1.25 लाख कैडेट्स है, पर पूरे साल में जो आपका एक्सरसाइज योगदान हुआ जिसमें बच्चे पूरा ये कोरोना के बारे में जानकारी, कोरोना के बारे में सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में रोडों सड़कों पर खड़े रह के बता रहे थे, उस उपदेश है कि मैक्सिमम एनसीसी में ट्रेनिंग ले। अब वो जब आता है तब भी वो भी देने के लिए हम लोग सारे तैयार। क्यारन न्यूज़ के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।